संपित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहीं का रुख करते करके अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। बंधु, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए चंद मिनटों का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द करती है। पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी के आज के तमाम राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उनकी आज दो रैली थी, उड़ीसा में रैली था, छत्तीसगढ़ में उनकी रैली थी, आज दोनों ही रैली रद्द किए गए हैं। पूरी पार्टी आज शहीदों के साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भी जो राजनीतिक कार्यक्रम थे, इटारसी में आज रैली होनी थी, वो रद्द कर दिए गए हैं। किंतु एक संदेश भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहती है कि राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं क्योंकि हम क्षुब्ध हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, किंतु देश के विकास के काम और गति से चलेंगे। आप देख रहे होंगे कि सुबह आज प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया, फ्लैग ऑफ किया, उसे गति दी। आतंकवादियों का ध्येय है कि वो विकास को रोके, देश को झकझोर दे, डेवलपमेंट नहीं होने दे और भारत जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने ना दे। किंतु हमने भी ठाना हुआ है कि हम शहीदों के साथ खड़े होंगे, देश के दुख में शरीक होंगे, किंतु जनता के लिए जो विकास उन्मुखी काम है उनको एक मिनट के लिए भी रुकने नहीं देंगे। वो काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक कतरा खून का भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा, अपने समय पे लिया जाएगा। हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के साथ खड़े हैं। और जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, दुख की इस घड़ी में पूरा देश हाथ से हाथ मिला करके एक साथ खड़ा है, कोई वैमनस्य का भाव नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। इतना ही कहना था बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इसमें कोई सवाल जवाब भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। बीजेपी की तरफ से सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। संबित पात्रा थोड़ी देर पहले 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई, उन्होंने कहा हम क्षुब्ध हैं, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन देश के विकास से जुड़ा हुआ जो भी कार्यक्रम है उस पर, विकास के रास्ते पर देश आगे बढ़ता रहेगा।